यहाँ कांग्रेसी इस वार्ड में उनके पूर्वज शमशानों के फतरानी पर रखते थे उनके मारे, तो वे चोरी नहीं कर पा रहा है, बढ़ियाई नहीं कर पा रहा है गोपाल भार्गव के पावर में रहते हुए, इसलिए उनने विद्रोह कर दिया। चोरी चपाटी उनका धंधा है, उनके पूर्वज शमशान घाटों के भाईजानों के फर्सी फतरा गाड़ी बैल पे लाद ले आते। आदमी तो कह रहा है कि तलवारें लाए घूम रहे, वे तो कछु करें, वे हमें अच्छे हैं। हाँ, वे रोज मार रहे हमें, मानो भी हमें अच्छे हैं, गोपाल भार्गव अच्छे हैं, हमें कुटी बनवा दें उनने, खावे दे रहा 1 रुपया किलो। मोड़ा जीत है? हाँ, वो जीत है, जीत है, गारंटी मोड़ा जीत है। 1,000 की शर्त? हाँ, हम कह रहे हैं 1,000 की शर्त का है, मोड़ा जीत है। तो चाचा दे। हाँ हाँ, नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। हम लगातार मध्य प्रदेश के सागर के गड़ाकोटा में नगर पालिका के चुनाव में हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं कि सड़क पर जिस अंदाज में दोनों पार्टियां प्रचार कर रही हैं उसमें सिर्फ हमें भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, तो शायद हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ जनता से रूबरू होंगे, क्योंकि जनता जो बोलेगी वही सच है। और जनता क्या चाहती, क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ गोपाल भार्गव जो लगातार मंत्री रहे उन्होंने क्या विकास किया है, तमाम चीज़ें जनता बताएगी और जनता के अंदाज में ही ये चुनाव होते हैं। तो फिलहाल हम वार्ड नंबर 3 में हैं और हमारे संजय खतीक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या देखते हैं पब्लिक? तो बहुत आपके सब पब्लिक ही पब्लिक है आपके चारों तरफ। जी, वो तो सब लोगों का, बुजुर्गों का है, माता बहनों का है, नौजवानों का, और हमारे जो वरिष्ठ हैं बाढ़ में और पूरे नगर में वरिष्ठ लोग हैं, सबका मार्गदर्शन है, सबका सहयोग है। और निश्चित ही हमारे 3 नंबर वार्ड कम लेने उसे नहीं, पूरे 23 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जमान जब्त होगी। अब हमारी जनता पार्टी को पूरा समर्थन है, हमारे जो मंत्री महोदय हैं, हमारे भैया गोपाल भार्गव जी, इतने विकास कार्य कराए गए उनके कि एक गिनीजा बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा उनका नाम दर्ज, उसका इतना विकास कहीं एमपी में तो कहीं नहीं हुआ है, बड़े बड़े महानगरों में नहीं हुआ है। कहीं से भी लोग बाहर से आते जाते हैं तो ठटक जाते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है, पूछते हैं लोग बागों से। इतना विकास है कि चहुंमुखी विकास हो रहा है और शासन की इतनी नीतियाँ चल रही हैं, इतनी योजनाएँ चल रही हैं, आवास योजना है, सब लोग उसका भरपूर लाभ मिला है। पूरे एमपी में नंबर 1 पर चला हमारा बरेली विधानसभा गड़ाकोटा, चहुंमुखी विकास है। और निश्चित ही हम लोग 23 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त कराएंगे, जनता का पूरा समर्थन। लक्ष्य माने भाजपा का कि कांग्रेस की जमानत जब्त होना चाहिए? होगी, वो तो निश्चित, कहीं से भी कोई शंका की बात नहीं है, वो तो निश्चित है उसका। तो पूरी गड़ाकोटा बस्ती में सब माहौल है, पूरा भाजपा में माहौल हो गया है, उसमें न संदेह कुछ। हम और बात करें, क्या नाम है आपका? सीमा पांडे। सीमा पांडे जी, क्या देखती हैं आप महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, कैसा है गड़ाकोटा? महिलाएं सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और भैया विकास की लहरें बह रही हैं, नदियां बह रही हैं गड़ाकोटा में, कोई दिक्कत ही नहीं है। 23 वार्ड में महिलाएं सबसे आगे हैं, पुरुषों से भी आगे हैं, क्योंकि भैया का ये लक्ष्य है कि महिलाएं खुद का बिजनेस करें, खुद रोजगार से जुड़ें। तो आज महिलाएं पीछे क्यों हटेंगी भैया, आज भैया के साथ हैं, और जो 23 वार्डों में जो प्रत्याशी हैं उन्हीं के साथ महिलाएं हैं, 23 वार्डों में महिला आगे हैं। लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता हैं आप तो जनता हो जी, क्या देखती हैं कि जनता है गड़ाकोटा की साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे 100% 99% जनता है भैया के साथ में, बीजेपी के साथ में, क्योंकि विकास जो गड़ाकोटा क्षेत्र में, गड़ाकोटा नहीं पूरी रहली विधानसभा में जो विकास हुआ है वो कहीं और दूसरी विधानसभा में नहीं है। अब महिलाएं भी हमारे यहाँ की बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि भैया ने महिलाओं को आगे निकाला इस पंचवर्षीय में, सबसे ज़्यादा जो काम हुए महिलाओं के उसमें हुए हैं, तो महिलाएं सब समझदार हैं, सब समझ रही हैं कि हम लोग को क्या करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि खटीक है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र में जो विकास की मजबूत कड़ी है वो भैया माननीय गोपाल भार्गव जी हैं, उन्हीं के रहने से हमारे क्षेत्र का, पूरे रहली विधानसभा क्षेत्र का, सागर जिले का जो विकास हो रहा है
उन्हीं के आदेशानुसार हो रहा है। और आज हम लोग जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, माता भैया की बदौलत करते हैं, और हमारे यहाँ पूरा माहौल अब भाजपामय हो चुका है। और आगे जो समय आएगा वो भी भाजपामय ही होगा, और हम लोगों को प्रचंड मतों से भाजपा को जिताना है। क्या नाम लिखती हैं आप? आरती कोरी। आरती कोरी। क्या देखती हैं आप चुनाव में? क्या देख रही? कमल। कमल को फूल। कमल अकेलो के कमल को फूल? कमल का फूल। क्या नाम है? सुनीता साहू जी। कहाँ है? जीत रही है? हाँ जीत रही है, क्योंकि भैया का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। और कभी भी हम लोग कोई नहीं, किसी भी समस्या का समाधान उन्हीं ने किया है आज तक, मतलब। और वो ही जीतेंगे, कमल कमल ही कमल। नमस्कार, बलराम साहू नाम जी। क्या देख रहे हैं आप? चारों तरफ भाजपा ही भाजपा है। भैया गोपाल भार्गव को आशीर्वाद है, हम लोग उनके साथ हैं दिनों रात। भैया को साथ हैं, उनको असीम कृपा है पूरे 23 वार्डों पे। अभी हम कुछ कमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, कुछ लोगों के अंदाज देख रहे हैं जी, उसमें लग रहा है कि उसमें लग रहा है कि लोग कहते हैं कि बनावटी है सब, झूठी। ये सब झूठी है। पूरे 23 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी बिजी हो गई। मेरा नाम बलराम साहू है, और मैं कह रहा हूँ 23 वार्डों में निर्विरोध माने बज्जा गोपाल भार्गव को बहुमत है। और कमलेश साहू वे अपनी जगह है, उनसे हम अपनों का है, वे विरोधी हैं, वे अपनों काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और जीत के बताएंगे हम लोग। हम लोग तो हम भी साहू हैं, वो भी साहू हैं, वो अपनों काम करें। हम लोग तो अपने इस वार्ड में नहीं, 23 वार्डों में जीत के आएंगे। उनकी क्या पोजीशन रहे संजय भाई की? संजय भाई आएंगे, डंका की चोट पर जीतेंगे। जीत रहा है, बराबर जीत रहा है। मैं कल्लू प्रजापति कमला नेहरू वार्ड से बात कर रहा है। यहाँ कांग्रेस इस वार्ड में उनके पूर्वज शमशानों के फतरानी पर रखते थे उनके मारे, तो वे चोरी नहीं कर पा रहा है, बढ़ियाई नहीं कर पा रहा है गोपाल भार्गव के पावर में रहते हुए, इसलिए उनने विद्रोह कर दिया। चोरी चपाटी उनका धंधा है। उनके पूर्वज शमशान घाटों के भाईजानों के फर्सी फतरा गाड़ी बैल पे लाद ले आते। कांग्रेसी जो आज वर्तमान में इस मोहल्ले में कांग्रेसी है, उन लोगों ने ऐसा कार्य किया इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले के लोग भूखों मरते थे, 4 दिन खाने को रहता था। आज गोपाल भार्गव की कृपा से पूरे 30 के 30 दिन खा रहे हैं, तो इन लोगों को ये खराब लग रहा है, इसलिए भार्गव जी का विद्रोह कर दिया इन लोगों। बस बहुत गुस्सा में हो। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। भैया से तो परिचय है, दिलीप कोरी गांधी वार्ड से, लेकिन बार लगा हुआ मेरा वार्ड है, वार्ड क्रमांक 2 गांधी वार्ड से, 3 नंबर वार्ड में लगा हुआ वार्ड है। कुछ सामाजिक वोटों भी सब लोगों का सब एक मत बना हुआ कि संजय भाई को इस बार अखंड मतों से विजय बनाना है और फिर से कमल का फूल दबाना है। संजय संजय मैंने आप अपने वार्ड छोड़ के अब संजय पे आ गए आप? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग क्या है भारतीय जनता पार्टी के पहले ही से पदाधिकारी हैं, और सारे गड़ाकोटा में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही तो निशानी है कि हम वार्ड भगत सिंह वार्ड से लड़ रहे हैं, लेकिन हम सारे गड़ाकोटा में 24 वार्ड में प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये आप संकेत है कि हमारे मतदाता हम पर कितना विश्वास कर रहे हैं। हम मतदाता के पास भले ही ना जाएं, और जाते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि भैया आप जाओ सुरक्षित हो, कहीं हम लोग कहीं कुछ करने वाले नहीं। अभी हम सब महिलाओं से पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, 20 साल 40 साल से लगातार जो भी काम जनहित के हों, व्यक्तिगत हों, शासकीय योजनाओं के हों, एक भी कांग्रेस वालों ने, ये महिलाएं हैं पूछ लेना आप, एक भी कांग्रेस वाले चुनाव आते हैं, चुनाव में 15 दिन रहते हैं और गायब हो जाते हैं, उसके बाद कभी नहीं मिलते। 40 साल से हम गोपाल भार्गव से हर प्रकार के काम करा रहे हैं, सुख के दुख के, घर के, परिवार के, रिश्तेदारों के, सभी सगे संबंधियों के। कहाँ जाएंगे वो तो आते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है, उनके बस को कछु है ही नहीं है। तो ये है, हम लोग तो पूरे वार्डों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब लोग इतना सहयोग कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार आने वाली नहीं है। संजय भैया पहले ही से इनके भैया यहाँ से पार्षद रहे हैं और इनका भी अच्छा यहाँ पर खासा प्रभाव है। और सही बात यह है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
हम तो सारे वार्ड के एक एक प्रत्याशी एक एक मतदाता को पार्षद के रूप में मानते हैं। वो इतने सक्रिय रहते हैं कि हम लोगों को निरंतर जो भी भाव से अच्छे काम से कहते हैं, हम लोग निरंतर भाव से काम करते हैं सबके बीच में। हमारा एक एक मतदाता पार्षद है, नगर पालिका अध्यक्ष है, मंत्री है, विधायक है, ये हम लोगों के परिवार में चलता है। कहीं भी आप जानकारी ले लें, सभी मंत्री है, सभी मंत्री है, सभी मंत्री, सभी मंत्री, सभी मंत्री वार्ड के और पूरे नगर के लोग सभी मंत्री हैं। दूसरा एक हम लोग जो 23 वार्डों से प्रत्याशी हैं, 23 नाम अलग अलग हैं मगर 23 दल एक हैं। सभी लोग पार्षद के रूप में एक दल होकर सभी लड़ रहे हैं और सबका लक्ष्य है नगर का विकास, एक ही काम नगर का विकास। हाँ, भारी मतों से संजय भाई यहाँ कमलानंद वार्ड से चुनाव जीतेंगे और बाढ़ की जनता से भी अपील की है, इस बाढ़ में हम भी गए हैं, इन्हें बहुत बहुमत मिल रहा है और यहाँ जो कांग्रेस उम्मीदवार है उसकी जमानत जब्त होने वाली है। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश प्रजापति। थैंक यू। आओ कमला नेहरू वार्ड के, ये तुम्हारे प्रत्याशी है? मैं तो 500 वोटों से जीत रहा है। तय कर दो। बिल्कुल तय, निश्चित है। और मंत्री जी महोदय से जब से हमारे जुड़े हैं, उनके श्री चरण में हमारों की प्रार्थना हुई थी, हमेशा रही और रहे। ऐसो काय है जे का दिल्ली का पंजा ऊपर है और कमल का दिल भीतर है, दिल में कमल जो है वो दिल में रहते हैं, हाथ तो अब जो है ऊपर है, कहा है उसे। आदरणीय हमारे गोपाल भार्गव जी, ये है विकास की माया है एकड़ाकोटा में, जो ये सब आपके लिए खुद दिख रहा होगा, ये हमने भी देखा। हमारी भी 25-26 साल की उम्र हो गई, बहुत ही ऐसा गड़ाकोटा में आप कभी आए हो तो आप बताइए, तो ऐसा गड़ाकोटा में हर चीज़ की व्यवस्था है और हमारे लिए ऐसा लगता, हमें गोवा हुआ सब घूमने गए, सबसे अच्छा हमारे लिए यहाँ गड़ाकोटा में लगता है। बस कोरोना काल भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, क्या देख रहे हैं आप गड़ाकोटा में? गड़ाकोटा में मैं आपके लिए बता दूँ भाई साहब कि 23 के 23 वार्ड में लक्ष्य ये नहीं है सामने वालों का कि हमें जीतना है, उनका लक्ष्य है कि हमारी जमानतें बच जाएं। तो पहले ही वो अपने आप में संतुष्ट है इस बात को लेकर के हमारे लिए प्रत्याशी मिल गए। अब तो उनका पत्नी को भी बना दो उन्होंने प्रत्याशी, अब वो तो आयतित करे हैं दूसरे वार्डों से, अनेक वार्डों में ये उनका अपना निजी है। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं कि जी हमारे गड़ाकोटा में जो है निरंतर 1985 से लेकर आज तक जिस वार्ड में आप खड़े हैं, जब से भैया गोपाल भार्गव जी ने यहाँ का नेतृत्व किया है, कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। 15 साल वो हो गए और 21 साल ये हो गए, 22 साल, 37 साल में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी है हमेशा, और इस वार्ड में कभी भी दूसरी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता है। मैं आपके लिए विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आपका नाम लिखा पूरा? मैं बसंत यादव। आप OBC? लेकिन जो भाजपा में जो OBC जुड़ी है वह OBC नहीं मानी जाती, ऐसा का है? इसके पीछे मैं आप उन्हें सोशल मीडिया में बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि वो OBC जो भाजपा को विरोध कर भाई OBC आए कि आप उन्हें भी आओ। ये रहली विधानसभा क्षेत्र में ना OBC ना SC ना ST और ना सवर्ण, सब एक हैं। गोपाल भार्गव जी के नेतृत्व में कभी यहाँ कोई, एक बात और आपके लिए बता दें, दूसरी जगह देश के अन्य जगह पर लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं, ये सवर्ण हिंदू मुस्लिम, ये तो अपने मुस्लिम तक जैसा सुना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं है। लेकिन हमारे गड़ाकोटा नगर में आपके लिए बता दूं, सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान लोग भी हैं। ये जातियों के लोग क्षेत्र जहाँ मुस्लिम वोट मिल रही, पूरी नंबर का नाम है तो? मोतीलाल कोरी। अच्छा, गांधी वार्ड के निवासी में। कौन मोती बना रहा है ये बात? संजय, क्या हो संजय? बनेंगे हमारे भाई साहब, महेश बनेंगे, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, अकेले व्यक्ति हैं हम, हमारा कुछ नहीं है, अपन स्वतंत्र आज़ादी वाली बात है। अपन तो शुरू से आज से 35 साल हो गए वाला ने, जब से जुड़े हैं आज भी जुड़े हो, मरते दम तक जुड़े रहेंगे हम लोग। संजय भाई को, भैया को, इनको पूरा प्रचंड महुआ देके विजयी बनाएंगे। क्या नाम है आपको? हम राम रतन पाठक, ग्राम कदला। हाँ, हम ग्राम कदला से आए हैं। और हमारे आपने तो निरीक्षण गड़ाकोटा का किया है, देहातों में भैया ने जो उन्नति और जो काम करवाए हैं गड़ाकोटा विधानसभा क्षेत्र में, तो भैया के नाम पे तो हर प्रत्याशी जहाँ बुलाएं, जहाँ इशारा हो जाए वहाँ खड़े दिखाएंगे। जनता पार्टी, जनता पार्टी।
नमस्ते। आप लगातार घूम रहे हैं। महाना कोरी गड़ाकोटा जिला उपाध्यक्ष। जो भैया ने मात्र शक्ति हमारे पे दी है तो जहाँ मातृ शक्ति वहाँ विजय पक्की। जय गोपाल। जय गोपाल। क्या नाम है तुम? सरोज रानी। सरोज रानी कहा दिखा रहा हो तुम्हें पार्ट में? हमें तो अपनी कमल पे सी बूट देने भैया खिला दी जिता संजय को। संजय भैया हो यही बाल्ट की? हाँ यही बाल्ट की है। कमला नेहरू बाल्ट की। हाँ क्या नाम है तुम? मोहन लागे पूरो रेखा ना है। रेखा संजय भैया का वोट देने है कमल पे। हाँ तुम्हें मन से देने के कैया है तू? हाँ हम दे उन्हें का जीता है। हमारा एक ही निशान है, एक ही नारा है, सिर्फ कमल। हमेशा कमल को चुना है और कमल ही सपोर्ट में रहती। कमल को नहीं, सुख में दुख में हमेशा कमल खड़े रहते हैं। भैया नमस्ते। मैं कविता कोरी। मैं सिर्फ वो भैया हमें सबका बहुत सारा सभी काम करते हैं और अच्छा करते हैं, मगर भैया से सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि भैया जो महिलाओं को बेरोजगारी है भाई आप दूर करें। हम आप सब आपके साथ हैं, सभी महिलाएं आप ही को जिताएंगी। हम वार्ड प्रत्याशी संजय भाई साहब उनके लिए जिताना चाहते हैं कमल से। कमल ही खुले कमल को मैंने पब्लिक का पब्लिक सब कमल लोगों से बात करते हैं कि असलियत में हम बाढ़ में घूम रहे हैं और बाढ़ में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है लगातार। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या स्थिति है? स्थिति बहुत बढ़िया है हमारे बाढ़ की, हमारे नगर की। और अभी आप भी आए होंगे, आपने भी यहाँ की स्थिति के बारे में देखा होगा। चारों तरफ विकास दिख रहा है, चारों तरफ काम लगे हुए हैं, अभी भी निरंतर काम, कुछ रोडों के काम चल रहे हैं, पुल भी बन रहा है, पार्क भी बन रहा है, सामुदायिक भवन आंगनबाड़ियाँ भी बन रही हैं, यहाँ अभी भी काम निरंतर चल रहा है। हम एक चीज़ आपसे कहेंगे कि हम पे आरोप लगते हैं कि भाई आप कांग्रेस का नहीं कर रहे, तो आपको दिख रही कांग्रेस? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, सड़क पे कहीं कांग्रेस दिखी? गड़ाकोटा में कहीं कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं आप? नहीं नहीं, गड़ाकोटा में कांग्रेस के लोग सिर्फ बाहर से आए हैं, बाहर से बुलवाए गए हैं, गांव से बुलवाए गए हैं, शहर सागर शहर के युवा मोर्चा के लड़के को बुलवाए गए हैं, यहां का कोई नहीं है ना। अभी आपने देखा होगा कहीं पे भी झंडे भी नहीं मिले होंगे आपको देखने के लिए। तो आदमी नहीं मिल रहे, हम पूछ रहे कि पक्ष और विपक्ष दोनों हो, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। आपको देखे हो तो हमें बताना। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी नहीं देखे। मैं कुंजीलाल प्रजापति, कमला नेहरू वार्ड से। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय पंडित गोपाल भार्गव भैया भार्गव जी ने अच्छा वो किया है सम्मान बाट के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा प्रहोसन दिया है। तो हम एक तस्वीर बताएंगे, कार्यालय है उनका और कार्यालय में भाई भैया ना इसी वार्ड के हो? यही वार्ड के? हाँ जी, मनीष कोरी कमला नेहरू वार्ड से। हाँ जी। हाँ स्थिति ये दीजिए बेस्ट है। इतने गोपाल भार्गव को आदमी दिल से चाहता है, दिल से आदमी दे। पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं रहती है कि जा पार्टी बा पार्टी जमाने की नहीं। गोपाल भार्गव अपने मतलब वोट अपने गोपाल भार्गव अमाओ नहीं पूरे बाढ़ को। कोई में संजय है? संजय भाई तो बिसंग है ही। नमस्कार। बाढ़ के ठीक ठाक है? कच्चू ना कहियो का नाम? कमला भाई। कमला भाई जो कमला भाई बाल रही है। हाँ मोड़ा को भी कमल नाम। चैनल वाल दिया है अच्छी से। मोड़ा को भी कमल नाम। हाँ इन्हें को कमला। अब वोट काय में देने पर? कमल में। कमल होंदे हैं? गोपाल भार्गव होंदे हैं। गोपाल भार्गव। हाँ ये तो काय गोपाल भार्गव काय भी अच्छे हैं, अच्छे हैं भी सबको खावे दे रहे, कुटी बनवाई उनने। आदमी तो कह रहा है कि तलवार ले घूम रहे, बे तो कछु करे बे हमें अच्छे हैं। हाँ बे रोज मार रहे हमें, मनो भी हमें अच्छे हैं। गोपाल भार्गव अच्छे हैं, हमें कुटी बनवा दी उनने, खावे दे रहा एक रुपया किलो। मोड़ा जीत गए? हाँ वो जीत है, जीत है, गारंटी मोड़ा जीत है। 1000 की शर्त? हाँ हम कह रहे हैं 1000 की शर्त कहा है, मोड़ा जीत है। तो चाचा दे। हाँ हाँ जय गोपाल, जीत है। जय गोपाल, जय गोपाल। क्या नाम है आपका? संजय यादव। हाँ तो बात हो गई। तो फिलहाल हम लगातार इस वार्ड में और वार्ड नंबर
ब्रह्मदत्त भैया, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 3 है और संजय खटीक यहाँ से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। लिहाजा लगातार हम वार्डों में जा रहे हैं। लोगों से यही अपील है कि अगर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि आप हमारा इंटरव्यू नहीं करते, तो हम उनसे कहेंगे कि आप हमें सड़क पर प्रचार करते नहीं मिल रहे, आप हमें गड़ाकोटा की सड़क पर नहीं दिख रहे। हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर यहाँ कोई कांग्रेसी हो, इस सड़क पर हो, तो हमसे ज़रूर मुखातिब हो, क्योंकि ये आरोप मीडिया पर नहीं लगना चाहिए। हम पूरे गड़ाकोटा में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमें कांग्रेस नज़र नहीं आ रही। कांग्रेस इसलिए नज़र नहीं आ रही कि 40 साल से जिसने अपने खून पसीना से भारतीय जनता पार्टी की सियासत और राजनीति में गड़ाकोटा और रहेली की जनता को खुशियाँ दी है, विकास दिया है, तरक्की दी है, तो जाहिर है वही लोकतंत्र का ओरिजिनल सिकंदर होता है जो जनता के साथ होता है। हम फिर एक बात कहेंगे कि जनता जिनके पीछे होती है उनको कोई नहीं हरा सकता। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।